दिग्विजय चौटाला शनिवार को रेवाड़ी के हसाका गांव पहुंचे। गांव पहुंचते ही दिग्विजय चौटाला का जोरदार स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने फूल मालाओं से दिग्विजय चौटाला का अभिवादन किया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए दिग्विजय चौटाला ने इनेलो से अपने निष्कासन पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अनुशासन के नाम पर हमें पार्टी से निकाल दिया गया और दादा ने हमें कह दिया कि अपनी राह खुद बनाओ। दिग्विजय चौटाला ने दावे के साथ कहा कि वो अपने दादा की पगड़ी को कभी नीचा नहीं दिखाएंगे। साथ ही अपने भाषण में दिग्विजय चौटाला ने प्रदेश की बीजेपी सरकार और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। अजय सिंह जी को, आदरणीय सांसद दुष्यंत सिंह चौटाला जी को और उनसे जुड़े हुए जो पार्टी में कई ऐसे वरिष्ठ नेता थे, अनुशासन का नाम देकर उनको कार्रवाई करकर पार्टी से निकालने का काम हुआ। पार्टी से हमें भी निकाला और आम राय कि भाई इनको तो चौटाला साहब ने पार्टी से परे कर दिया, निकाल दिया। मैं आज इस बात को बड़े विश्वास से और भरोसे से कह सकता हूं कि मेरे दादा ने, जिनके लिए ताउम्र हमने काम किया और जब तक जिएंगे, जब तक चौधरी देवीलाल जी का खून हमारे शरीर में गर्म होकर के दौड़ेगा, तब तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की पगड़ी को नीचा नहीं होने देंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहली बार यहां आए और उन्होंने अपने भाषण में चौधरी देवीलाल को याद करते हुए इस बात का जिक्र किया था कि मैं चौधरी देवीलाल से राजनीति सीखा, जब कभी मुझे मौका मिलेगा प्रधानमंत्री बनूंगा तो सबसे पहले किसानों की स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर उन्हें समर्थन मूल्य देने का काम करूंगा। जिन्होंने ये कहा कि मैं और रामदेव जाएंगे, काले धन की पोटली को पीठ पे ढोके लाएंगे, तुम तो बस अकाउंट खुलवा लेना, 15-15 लाख हर अकाउंट में इस देश का काला धन गरीब जनता के अकाउंट में डलवाएंगे।